वेरी गुड मॉर्निंग टू व्यूअर्स, हैप्पी रेनी मॉर्निंग। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग, बारिश हो रही थी तो हम लोग अभी बॉर्डर की जाने जा रहे हैं। और ये हमारे पहलवान साहब गाड़ी चला रहे हैं, भाई इधर को देख के हाथ हिला रहे हैं, ऐसे सपोर्ट कीजिएगा, गाड़ी चलती रहेगी हमारी। हाँ जी, और जैसे आप सपोर्ट करते रहेंगे हमारी गाड़ी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। जिस दिन आपने सपोर्ट करना बंद कर दिया, हमारी गाड़ी रुक जाएगी। और बस अभी आपको चल के बॉर्डर का नज़ारा करवाते हैं ऐसे सुहाने मौसम में। और मिलते हैं कुछ देर में आपसे फिर। पहले अभी बिलाल और वो टिडी पहलवान को उठाना है अपने। कब उठे? मैं यार 1:15 का आपकी कॉल आई थी तब उठा। अच्छा। और यार वैसे पिछली सीट ज्यादा कंफर्टेबल है। ओह माय गॉड, ड्राइवर इज मोर कंफर्टेबल देन अस। ड्राइवर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं भाई। ड्राइवर को देख के आपको कैसा लग रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, ड्राइवर को देख के आपको कैसा फील हो रहा है? बड़ी बड़ी है। I hope so. I will feel good. तो अभी हम बिलाल के घर की तरफ जा रहे हैं। और वाले को कॉल, उसे कहा बाहर आ जाइए। पेपर तो आया फिर उनकी, उन्होंने कहा कितनी देर पेपर देना आ जाओ। तो अगर बालाजी किधर हो? वाले ने हमें धोखा दे दिया और वो फिलहाल उनका पेपर वो नहीं आ रहा। तो खैर अब हम निकलते हैं यहाँ से, शकरगढ़ से निकल के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पहुँच के फिर वाली चीज़ जो
गुडनेस कितना फायदा मलिक मैंने लूटा ये टिश्यू का डिब्बा पिछले साल एक से बड़ा हुआ है आधा टिश्यू का डिब्बा यूज टिश्यू का डिब्बा कह रहा हूँ सॉरी आधा आधा टिश्यू यूज करते हैं सिंगल लेयर्ड डबल लेयर्ड होता है तो एक लेयर उतार लेते हैं और ताकि कोई और ना इस्तेमाल करे एक लेयर जो बचती है वो भी फाड़ के देते हैं वो भी आधा दो हिस्सों में तकसीम होता है क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग है हमारे ग्रुप का नाम भी यही है और इसका हिसाब देना है और हम यानी कि बचत करते हैं और इसका ये कि मियाना हिसाब है मियाना रवि से ही चलना चाहिए सबको तो मियाना रवि से चलते हैं अल्लाह ताला को पसंद है मियाना रवि परेशानी के आलम में उसी से लिखवा लूं ऊपर लिख लो खुद ही ये उससे लिखवा लेना ना या किसी प्रिंटर वाले से लिखवा लेना ये इस पे फॉर्म पे हो जाएगा हां इजीली साइड पे ये आप देख सकते हैं पुल बन रहा है ये नीचे ड्राइवर की जो न्यू क्लास है ना वो अब न्यू बन गई है पहले माया स्कूटी पर सीनियर लिखा जाता था ये आप देख सकते हैं दिस क्लास को डोंट करते हो 50 क्लास आ गई ये दिसंबर है प्रणाम तेरा के
पर रोना तेरा गेम पा गया सीधा पाकिस्तान का आखिरी बैंक है वहां से एटीएम मार के आपको पैसे निकाल के दिखाते हैं। और मतलब के पाकिस्तान का इससे मुराद के जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर मतलब के साथ बिल्कुल वैसे तो दिस इज द लास्ट बैंक ऑफ नेशनल बैंक की वो एटीएम वो एटीएम पहुंचा है एटीएम नहीं है नहीं है ना आगे देख नहीं आ गए बहुत दूर सुको चक के बिल्कुल एंड पे और इब्तदा ही हमारी कटे से हुई है देखें देसी माहौल और वो लास्ट से वो है वो दूर आपको नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान का लास्ट रेलवे स्टेशन जो कि अब ट्रेन नहीं यहाँ पे चलती लेकिन ये स्टेशन है अभी अमरो चक सुखो अमरू चक चक कमरू या सुखो चक है सॉरी चक कमरू लास्ट स्टेशन पाकिस्तान का और इसके बाद आगे इंडिया स्टार्ट होता है और इंडिया की या हिंदुस्तान की बहुत सी तारीखी अशिया यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी जिनमें से सरे फहरिस्त इनका एक मंदिर पाया जाएगा इस तरह ही है। ओह माय गॉड टुरुला और ये टुरुला और इतनी दूर में देखें स्कूल आपको नजर आएगा यूनिक पब्लिक स्कूल इसका मतलब है कि पाकिस्तान में बहुत क्रेज है पढ़ाई का स्पेशली शकरगढ़ में पाकिस्तान की तारीख को आप फरोला करें सर्च किया करें ताकि पता चले कि पाकिस्तान की तारीख पाक क्योंकि इंडो पाक एक ही हुआ करते थे और पाकिस्तान में जब ये इंडो पाक हुआ करते थे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने काम पटरियां बनाई इसके अलावा कोई काम नहीं आज तक किया तो आपको सिर्फ पाकिस्तान में पटरियां नजर आएंगी असल में वो और यही बनाते रहे इसके अलावा कोई ऐसा कोई तरक्याती काम इन्होंने कोई नहीं किया सवाए एक पटरियां बनाने के तो हिंदू और ये सारे बस पटरियां बनाते थे। आइए आपको गोया दिखाते हैं पाकिस्तान की देसी शान गोया पटरियां इस वजह से बनती हैं कि जनाब वो अंग्रेज थे जो मसाले वगैरह इधर से लेके जाते थे ट्रेन में तो बस वो पटरियां बनाते रहे और कुछ नहीं किया गुलामी में रहे। ये है जी गोया जिसको आग लगाई जाती है देखें जी पाकिस्तान की साइंसदान भी पागल होके चले गए कि आराम से गैस पैदा करके चले गए ये ओपले ओपले से निकाल दिए इन्होंने दिस इज कॉल्ड ओपला हम कहाँ जा रहे हैं यार ये किसी का डेरा है पाकिस्तान में डेरे कहा जाते हैं ये डेरे हैं और ये वो स्टेशन आइए आपको स्टेशन दिखाते हैं जो कि आप वो सीधा हालत में पाया जाता है नापैद और ख़त्म हो चुका है लेकिन ये अभी यहाँ पे इंडो पार्क होता तो मुझे उम्मीद थी कि इसने ठीक चलना था क्योंकि बस पटरी ही बनाते रहे हैं और कुछ भी नहीं काम किया आज तक उन्होंने ये देखें कितने खूबसूरत नजारा रेलवे स्टेशन पर अब गर्बन ट्रेन यहाँ से आती थी कि वहाँ से आती थी लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर आती थी और ऐसा ही है और ये स्टेशन है जी मुसाफिर खाना था जी बड़ा प्यारा था देखें जो बसीदा हालत में है सोचिए कि तारीख में लोग कैसे बैठा करते थे यहाँ पे सीधे बनाई गई थी ये हमारे बड़े प्यारे से भाई क्या हाल है जी ठीक है ये हमारा जी इमारत है देखें ये कब का लिखा होगा जी देखें किसी दूसरे के सामान की जिम्मेदारी मत कबूल कीजिए कहीं बम ना हो तो ये पता नहीं किस ये टिकट घर था बहुत पुराना था ये कोई जिन
यहाँ सारे मामला, पुराना कमरा, पता नहीं ये एंड है जी मुसाफिर खाने का, छोटा सा स्टेशन है क्योंकि इसके बाद आगे इंडिया स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दूर कहीं जाके ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं बड़ी बारिश में, और वो देखें जी क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर के पास पास घर है, इसके बाद आपको कोई घर नजर नहीं आएगा क्योंकि डेंजरस एरिया, यहाँ पे कई बमबारी हो सकती है। तो हम चलते हैं, हमारी जान को खतरा है जी। This railway station is closed from I think last 20 to 30 years I think. I mean this is all it. The old vintage look of this building. As you can see, this is written Chakamru. और ये आई थिंक दिस व्हील इज फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन और समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो, बट दिस व्हील बी यूज्ड फॉर सम पर्पस एंड दिस पोल्स लाइटनिंग पोल्स आई थिंक, एंड यू कैन सी द गोट्स एंड द डंकी हेयर एज वेल। Only some vintage buildings giving a static look, and you can see the board there, Chakamru, written Chakamru on there. Oh, where is Safaim going? बारिश हो गई है और तैमूर और फहीम जो हैं वो वहाँ पे स्लोमो बनाने गए थे और बारिश की वजह से भाग लग गई उनकी। हेलो फहीम भाई, बॉर्डर है एक तरफ, दीनानगर का बॉर्डर है इंडियन का, इंडियन पंजाब का, उसका आपको व्यू देते साथ दे लिया। Yeah.
वापसी में आप दूसरे रास्ते से जाएंगे, जो वो पुल है ना मैंने बताया आपको, पुल चुके हैं और बारिश जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोर से जारी है और हम लोग इस वक्त पूरे शिकारी बने पड़े हैं। ये देखें जी खूबसूरती, हम इस जंगलों में इंडिया के बॉर्डर के करीब करीब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किधर गई वो लोकेशन हमारा, हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं ये देखिए 4:16 न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद 3:46। ये देखें इस वक्त हमारा जो करंट लोकेशन है वो न्यू दिल्ली शो हो रही है। और ये देखिए ये जंगल है और अभी हम आगे की तरफ रवाना हो रही है। और ये देखें ये दरिया है और अभी मज़ीद आगे जंगल है और इस जगह पे आपको मंदिर दिखाएंगे और ये बिजली चमक रही है देख सकते हैं आप। और बाकी ठंड बहुत लग रही है। ओ माय गुडनेस। चलें मज़ीद आपको बताते हैं। गाड़ी को कहीं यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे लगाते हैं और फिर हम आगे कश्ती पे बैठ के निकलते हैं। नहीं गड्डी में साइड लगी तो पैदल चलिए अगे। भीगना तो पड़ेगा, ये तो होगा। बाहर तो बहुत बारिश है बाबा, हैं? है
ये देखें जी, हम इस टाइम कश्ती में बैठे हुए हैं। और ये कश्ती वाला भाई 20-20 रुपया 20-20 रुपया अरे कश्ती हिल रही है, मुझे लगा कश्ती चल रही है जैसे। ये देखें अच्छा, ये आगे रोड है मेन पे ना, ये जनाब मंदिर। आगे आगे बस आ गया। अच्छा देख के यार, ये एंट्रेंस है और ये क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत गंदा कर दिया इधर हमारी जरा मुस्लिम कम्युनिटी, इसे ऐसा कूड़ा यूज कर दिया क्योंकि बहुत गलत बात है। बहुत खूबसूरती हुई है इसके अंदर। ये इनका जो मेन कमरा होता है आई थिंक वो है, और ये ऊपर से खूबसूरती देखे फूलों। मूर्तियां जा करो उसके पीछे रखो अपने। मुझे पता है
इस वक्त हम जंगल के बीचों बीच है। ये यूसुफ भाई और यूसुफ भाई भी वीडियो बना रहे हैं बैक कैमरे की, और ये अहमद भाई है। अहमद भाई थम्स अप कर दीजिए। बाबा जी सियालकोट, बाबा जी जंगल, पिंडी और इधर बाबा जी शक्करगढ़। और देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच रास्ता है, बिल्कुल अंधेरा है। ये फ्रंट कैमरे से इतना क्लियर कार नहीं नजर आ रहा है। ये सब भाई इधर आप मेरे शीशा नीचे कर दो ग्लास, जैसे भाई ग्लास ये थोड़ा सा इतना क्लियर तो खैर नहीं नज़र आ रहा है। ये सब भाई इससे ऊपर करते हैं शीशा। ये बड़ी मुश्किलों के बाद हम पहुँचे हैं इधर, तो बस दुआ है कि अब खैर वाफियत से घर पहुँच जाए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और जंगल के बीचों बीच का रास्ता है। तो होप्स हो कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाल्लाह ताला बखैर व आफियत घर पहुंच जाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा हमें। तो अब सफ़र पे ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट मुलाकात आपको, आपके साथ मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद एक नए वीडियो कार्ड के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको यूसुफ भाई बाय कर दें एक बार। अहमद भाई बाय कर दें आप एक बार पीछे को। और अहमद भाई ड्राइव कर रहे हैं तो इजाज़त। ओके अल्लाह हाफिज़। रुको, खाना बना हुआ है, चिकन मसाला खा रहा है, चिकन बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। और रात रुक जाओ, मौसम बहुत ख़राब है। ये मौसम बहुत ख़राब है, निकल से निकलो हमारे साथ। मौसम क्या ख़राब है, बारिश है। हाँ तो मैंने कौन सा 10 किलोमीटर का सफर, रात उधर रुकना है। खाना बना हुआ है, चिकन मसाला खा रहा है, चिकन बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। और रात रुक जाओ, मौसम बहुत ख़राब है। ये मौसम बहुत ख़राब है, 10 से निकलो हमारे साथ। मौसम क्या ख़राब है, बारिश है। हाँ तो मैंने कौन सा दूर जाना है, 10 किलोमीटर का सफर, रात उधर रुकना है। लेकिन रियल में बंदे की मतवज्जत भी है और बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों पे। तो होप हो कि आपको मज़ा आया होगा आज के ब्लॉग में। तो बाकी अभी हम तकरीबन शकरगढ़ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग यहीं के पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं आगे, बाकी मैं आपको बताता हूँ आगे जा। तो बारिश जो है वो तकरीबन रुक गई है, लेकिन अभी कोई पता नहीं फिर से स्टार्ट हो गई। तो बाकी रोड की हालत आप देख सकते हैं, और गाड़ी की हालत हम आपको रुक के दिखाते हैं। बस आपने सपोर्ट करना है और इस गाड़ी को रुकने नहीं देना, बिल्कुल ऐसा ही है।
कजन मेरे के पास है ना, वो मुजफ्फराबाद रहता है, वो उसी के हाथ से चलता है। नया बटन नया वाला पता नहीं, ऑटो नहीं मैंने पता नहीं, सरकारी गाड़ी है। याद आता है।